चैप्टर में मिस्टेक फॉर्मूले की वजह से नहीं होता है, मोस्टली इसमें मिस्टेक होता है साइन कन्वेंशन की वजह से। एक बार साइन कन्वेंशन दिमाग में बिठा लीजिए, आपका जो भी आप लेंस या मिरर कंसीडर कर रहे हो उसके लेफ्ट की तरफ अगर आपका कुछ भी मेजरमेंट है तो नेगेटिव, राइट की तरफ मेजरमेंट है तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ लेंगे तो पॉजिटिव, नीचे तरफ लेंगे तो नेगेटिव। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो रहेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, करेक्ट, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही लिया जाता है। अब आता है आपका इमेज का बात और आपका फोकल लेंथ की बात, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से लेंस का किधर राइट में जा रहा है, कभी किसका लेफ्ट में आप ले रहे हो, तो ये चीजों पे प्लीज ध्यान देना। आपका 10th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट थोड़ा रिवाइज कर लेना, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ने क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, अगर क्या क्या गिवन है वो हम लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट दिया है उसने मुझे, इट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो स्टूडेंट्स लेट अस राइट डाउन द गिवन थिंग्स। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है तो यू मालूम है मुझे, सेंटीमीटर कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स मिरर दिया है, ये है कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर इज गिवन, फोकल लेंथ दिया है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। आपके पास F is plus 12 for you, बहुत बढ़िया साक्षी, बहुत बढ़िया विशाल। क्या चाहिए हमको, V चाहिए। स्टूडेंट्स फॉर्मूला, तो यहां पर मिरर फॉर्मूला यूज होगा, सो मिरर फॉर्मूला यूज कीजिए। चलिए प्लीज सब्स्टिट्यूट एंड गेट द रिजल्ट, सब्स्टिट्यूट करके आंसर लाने का कोशिश कीजिए प्लीज। वेरी गुड गौरी। चलिए आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई इट आउट प्लीज। करेक्ट है विशाल। शिवम आजकल यार बहुत ढीला हो गए तू, वेरी गुड दिशा, करेक्ट तन्वी, करेक्ट है अदिति, बहुत बढ़िया, वेरी गुड निधि, वेरी गुड श्रावणी, करेक्ट है शरायु, बहुत बढ़िया। नया जी कहाँ रह गए आप, नया कभी आ गया, चलो नाम लेते ही आ गया। हाँ अंजलि जी, अभी आपका 1/V आया, देखो आपने जो अभी बोला है 1/V = 1/4, तो अपने को V चाहिए ना, तो उल्टा घुमाना पड़ेगा। यहाँ पर आप U के जगह पे लोगे -6, ये आपके पास है 1/12, ये 1/6 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2+1 = 3, 3/12 कट करोगे तो हो जाएगा आपके पास 1/4, उल्टा घुमा दो 4/1, करेक्ट निशा, करेक्ट। आपका V का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देख लीजिए 6, इमेज का डिस्टेंस 4, तो इससे हमको साइज वेरी हो गया, मतलब मैग्निफिकेशन के लिए आप क्या लिख सकते हो, डिमिनिश है कि मैग्निफाइड, क्या लगता है आपको,
कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा इमेज देता है? वी यूज कॉन्वेक्स मिरर इन रियर व्यू व्हीकल्स, रियर व्यू ऑफ द व्हीकल्स। अरे पापियों, क्या बोल रहे हो तुम? तो मिलेगा वर्चुअल एंड इमेज। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा आपको वर्चुअल देता है, इरेक्ट देता है और डिमिनिश्ड देता है भाई। तो ये जो चीज है ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वो थ्योरी एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। दिस इज व्हाट हैपेंस। आपने यहां तक पूरा करेक्ट किया, फिर क्या कर दिया हमने, इसमें लिखने के टाइम गड़बड़ किया। अननेसेसरली वी आर लूजिंग आवर मार्क्स। चलिए प्रॉब्लम नंबर टू पे जाते हैं। So in the second problem, क्या क्या given है? तो देखिए वो बोल रहे हैं आपके पास object is placed at a distance of 6 cm from the concave mirror। तो अपने पास एक concave mirror है, वहां से 6 cm के distance पे आपके पास रखा हुआ है object। Having a radius of curvature 30 cm, radius of curvature दिया है 30 cm, क्या आप focal length find out कर सकते हो? क्या आप focal length find out कर सकते हो? शाबाश गौरी। So please look here, problem number two। You have अपने पास माइनस, वेरी गुड साक्षी, यू इज माइनस 6 cm, आपके पास रेडियस है, तो आप फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग द रिलेशन एफ इज इक्वल टू आर बाई टू वाला रिलेशन यूज करो। तो आपको मिल गया 15। नाउ थिंक एंड टेल मी द साइन। शाबाश अदिति, बहुत बढ़िया। तो अलॉन्ग विद अस, वेरी गुड श्रावणी, बहुत बढ़िया। तो अलॉन्ग विद द साइन जब आप लिखेंगे ये हो जाएगा 15। अब ध्यान दीजिए प्लीज, केस पे ध्यान दीजिए। क्या केस है? आपके पास एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 15 और आपका ऑब्जेक्ट किधर पे है? ऑब्जेक्ट इज एट 6 cm, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर है। इट इज करेक्ट, फोकल लेंथ के अंदर है। सो नाउ थिंक एंड टेल मी इंफॉर्मेशन अबाउट वी। वी पॉजिटिव की नेगेटिव? वी विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड। वी इज नेगेटिव, वेरी गुड तन्वी, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। सो वी इज नेगेटिव। वंस अगेन, अभी आपको क्लिक होना चाहिए कि कहां से बोल रहा है नेगेटिव, इसको क्या मालूम पॉजिटिव की नेगेटिव। ये हमारा वो डायग्राम है जब हमारा ऑब्जेक्ट पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, फिर आप धीरे 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 उसको आगे लेके आते हो और एक पॉइंट पे आप उसको फोकस से भी अंदर ले जाते हो, तो टक्कर मार के आपका इमेज वही साइड पे फॉर्म होता है। तो हमने 10th में थ्योरी किया हुआ है, ये फॉर्मूला को बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है, बट थ्योरी वी हैव डन इन द 10th स्टैंडर्ड। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर नोइंग? हमको यू मालूम है, हमको एफ मालूम है, वी मालूम है, ये भी मालूम है कि वी नेगेटिव है। तो यू हैव टू टेक द माइनस साइन ओवर हियर। प्लीज कैलकुलेट एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ वी।
शाबाश गौरी, वेरी गुड अदिति, वेरी गुड श्रावणी, निधि बहुत बढ़िया, करेक्ट है विशाल, करेक्ट है शरायु, बहुत बढ़िया, यस कम ऑन स्टूडेंट्स, बेटा विद द साइन देने का हमेशा आंसर, आंसर इज करेक्ट, द मैग्नीट्यूड इज करेक्ट, बट वी विल बी नेगेटिव ना, यस बेटा यस करेक्ट निशा करेक्ट। चलिए आप लोग जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं, आपको वी का आंसर आना चाहिए माइनस 10 सेंटीमीटर, करेक्ट है दिशा, बहुत बढ़िया। अब फिर से अपन दिमाग लगाएंगे, देखो ऑब्जेक्ट 6, इमेज 10, इमेज बड़ा है 10/6, आपका आंसर 1 से बड़ा आएगा, मतलब ये मैग्निफाइड इमेज रहने वाला है, तो दिस इज गोइंग टू बी वर्चुअल, दिस इज इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। थर्ड प्रॉब्लम देख लेते हम लोग, कॉन्वेक्स सरफेस सेपरेट्स टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस 1.3 एंड 1.5, सो देयर इज अ कॉन्वेक्स सरफेस, इट इज सेपरेटिंग द टू मीडिया, मतलब ये हो गया आपका सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सिंगल कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्टिंग, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 260 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कैलक्यूलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द सरफेस। चलिए लेट अस राइट डाउन द गिवन थिंग्स फर्स्ट, तो आपके पास दो मीडिया है, व्यू वन 1.3, 1.5, ये हमारे पास दो वैल्यूज है ऑफ म्यू वन एंड म्यू टू, रेडियस ऑफ कर्वेचर, नाउ कॉन्वेक्स सरफेस है तो इसका रेडियस इस तरफ आएगा, सो रेडियस हैज टू बी पॉजिटिव, तो देखिए यही सब छोटे छोटे चीज अपने को ध्यान रखने हैं, तो आर दिया है उसने 20, दिस विल बी प्लस 20, 260 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हमेशा टुवर्ड्स द लेफ्ट, सो यू इज माइनस 260 सेंटीमीटर, कैलक्यूलेट द इमेज डिस्टेंस, ठीक चाहिए स्टूडेंट, सिंगल कर्व्ड सरफेस फॉर्मूला क्या रहता है, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेडियस, तो देखिए फॉर्मूला आपका रहेगा u2 v माइनस म्यू वन u, दिस इज इक्वल टू u2 माइनस म्यू वन अपॉन r, देखिए सारा वैल्यूज मालूम है आपको, म्यू टू मालूम है, म्यू वन मालूम है, यू मालूम है, आर मालूम है, एक इक्वेशन एक अननोन कैन बी सॉल्व, प्लीज सॉल्व दिस फॉर द वैल्यू ऑफ वी, प्लीज सिंप्लीफाई दिस फॉर द वैल्यू ऑफ वी,
बहुत बढ़िया शरायु, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड विशाल। We've got two right answers. Shadayu and Vishal have done it. Shabash Aditi, bahut badhiya beta. Correct Disha, excellent. Where is Nidhi, Sneha, Anjali, Rodney? Very good, Gauri. Where is Vaishnavi? Gargi, aap bhi try karo. Correct, Shravani. Bahut badhiya. Very good, Nidhi. Tera naam lene hi chah raha tha ki kya ho gaya, kidhar gayi, answer nahi aa raha ek bhi. Zainab. Very good, Tanvi. शाबाश साक्षी, बहुत बढ़िया। चले तो 8-10 लोगों ने कम से कम सॉल्व कर लिया है। इशिका जी, क्या हो रहा है बेटा, आंसर नहीं आ रहे कोई? देवांशी, जॉर्डन, आदित्य रावत, नहीं सर, एक साथ में इतनी खुशी नहीं देना चाहते आपको, है ना? इतना खुशी लेके क्या करोगे आप? चलिए 300 सेंटीमीटर आ रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अच्छी बात, वेरी गुड गार्गी, बहुत बढ़िया। ओके चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Object is placed at a distance of 25 centimeter from a convex lens. तो मेरे पास convex lens है, convex lens बोलते ही object left में आ गया, focal length will be positive, focal length दिया उसने 10, determine the image position, position of the image, यानी view चाहिए। तो इधर U दिया है, which will be negative, F दिया है, which will be positive, चाहिए। बट नाउ दिस टाइम ही हैज क्लियरली मेंशनड कि ये एक लेंस है, तो यहां पर हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सो 1/v माइनस 1/u। तो यहां पे फर्क क्या आ जाएगा कि भाई पिछली बार आपने मिरर में प्लस साइन पर पॉजिटिव लिया था, यहां पर माइनस आएगा। चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए प्लीज। u का वैल्यू इज -25, F is +10. This is P4, problem 4A. Problem number 4A. एक्सेलेंट निशा, वेरी गुड गौरी, बहुत बढ़िया दिशा, नेहा बहुत बढ़िया, वेरी गुड विशाल, करेक्ट है श्रावणी, करेक्ट साक्षी, करेक्ट है देवंशी, करेक्ट निधि, अदिति करेक्ट है बेटा, आई होप सभी लोगों को आंसर कैलकुलेट करके आ रहा होगा या करने को आ रहा होगा। और भी कम्स आउट टू बी
16.6666 आता जाएगा, यस एंड अपने 50/3 जिसको आप डिवाइड करके निकालोगे तो आपको ये ऐसा। चलिए B5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, देयर इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो मेरे पास में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर, एफ मिल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज 1.5, तो म्यू 2 मिल गया। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए। पहले तो ये सोचिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें। शाबाश गौरी, यहां पर रेडियस की बात हो रही है, दो रेडियस की बात हो रही है, वेरी गुड श्रावणी, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, एक्सेलेंट साक्षी, बहुत बढ़िया, लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करना चाहिए हमको। तो म्यू टू, म्यू 1 उसने दिया नहीं है तो दैट मीन्स इट इज एयर। शाबाश विशाल, बहुत बढ़िया। तो ये आपको म्यू 1 का वैल्यू 1 लेना है, पड़ेगा यहाँ पे। सी दिस इज यू कैन से योर हिडन डेटा, जो कहीं पर भी क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है, बट अपने को ऐसा लेना पड़ेगा। एफ का वैल्यू 60 है, अभी देखिए एक और डेटा है जो इस समय अपने को दिख नहीं रहा है, ये जो आपका प्लेन सरफेस है, ये आपका फर्स्ट सरफेस है और ये आपका जो प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस का जो रेडियस होगा वो आपको लेना पड़ेगा इन्फिनिटी। सो प्लेन सरफेस का रेडियस विल बी टेकन एज इन्फिनिटी। अब आप अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू, वेरी गुड दिशा, वेरी गुड दिशा, करेक्ट है विशाल। Yes, अपने अपने आंसर दीजिए। शाबाश गौरी करेक्ट है, श्रावणी अदिति करेक्ट आंसर बेटा। बहुत बढ़िया निधि, देखो अभी इधर, अब यही सेम क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व करके गया। अब जो हम बोलते हैं ना फास्ट कैलकुलेशन कैसे करने का, फटाफट कैसे करते हैं, तो देखिए ये मेरे पास 1/60, ये 1.5 - 1 यानी 0.5, ये मेरे पास 1/R1 क्योंकि ये तो 0 है, तो R1 इधर ऊपर जाएगा, 60 इधर ऊपर जाएगा, 0.5 × 60 माय आंसर शुड बी 30, या 1/2 × 60 = 30, सो योर आंसर हियर विल कम आउट टू बी 30। चलिए एक और पर कर लेते हैं क्वेश्चन, सिमिलर टाइप है, डिटरमिन द फोकल लेंथ ऑफ अ बाइकॉन्वेक्स लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स आर 30 and 40, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ इफ द लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर। ओके चलिए, तो अब इसमें दो क्वेश्चन है, डिटरमिन फोकल लेंथ ऑफ अ बाइकॉन्वेक्स लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स 30 and 40। देखिए ये है मेरा P6, बाइकॉन्वेक्स लेंस मतलब दो कर्व्ड सरफेस है,
सरफेस का रेडियस इधर है तो आर वन इज पॉजिटिव, ये सेकेंड सरफेस का रेडियस लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो आर टू इज नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन में जो आपको एक स्पेशल चीज ध्यान देनी है, आर वन का वैल्यू पॉजिटिव लिया जाएगा, आर टू का वैल्यू नेगेटिव लिया जाएगा, तो ये हो गया आपके पास प्लस 30 माइनस 30, आर वन आर टू मिल गया। म्यू जी म्यू फॉर ग्लास इज गिवन एज 3/2 एंड वाटर इज गिवन एज 4/3। तो पहले एफ एयर निकालते हम लोग, म्यू जी फर्स्ट केस के लिए म्यू जी 1.5 लेंगे हम लोग। तो ओके अभी ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करो और एफ निकालो। फर्स्ट केस फाइंड एफ एयर एंड देन वी विल गो फॉर एफ वाटर। चलिए पहले एफ एयर फाइंड आउट कर लीजिए। देखो ये हो जाएगा आपके पास 1/30 प्लस 1/40 1200 आपके पास रहेगा 30 प्लस 40 70 7/120 ये इधर मिल गया मुझे। पहली बार एयर विल बी वन, फॉर एयर इट विल बी वन, तो दिस इज 1.5 माइनस 1 तो दिस इज 0.5 करके देखो 34.28 आता है, करेक्ट 34.28 आएगा। पहली बार आपका जो आंसर है वो 34.28 आएगा। स्टूडेंट्स प्लीज चेक करो, ये अपने को दो बार करना है, एक बार एयर के लिए दूसरी बार वाटर के लिए। और इस सेकेंड टाइम क्या करना है चेक करो, पहली बार का आपका आंसर कितना आ रहा है 34.28 आ रहे हैं भाई सबको। ओके ग्रेट, चलिए सेकेंड टाइम देखिए क्या करना है आपको। म्यू टू जो है वो 1.5 है और म्यू वन इज 4/3 यानी 1.333। बस आपको अब सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे वो लेना है सर और आगे का कैलकुलेशन करना है। तो देखो ये पार्ट तो सेम ही रहेगा, तो ये आपका 7/120 है, ये आपका म्यू टू जो था दिस वाज 3/2 दिस इज 4/3 तो ये हो गया 8, ये हो गया 9/8 माइनस 1 8/8 सो दिस इज 1/8 सो 1/8 इंटू 7/120 अल्टीमल्टी करो सो 120 इंटू 8/7 960/7 कीजिए 111 में आएगा शायद 960/7 आप करोगे 137.1 आते हैं, चेक करो 137.1 आना चाहिए।